हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। रामिश शमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम निकल चुके हैं रैंडमली, देखते हैं कहाँ चलना है। शेरकोट का पुराना फ्लाईओवर था जो मेन लिंक करता था शेरकोट और धामपुर को। अब जो है ये देख सकते हैं आप, ये है वो पुराना पुल। दोस्तों बहुत ही बुरी स्थिति होती थी 6 बजे के बाद इस फ्लाईओवर पर, यानी ब्रिज पर, चूंकि मेन जो लिंक था ये बिजनौर टू काशीपुर, ये मेन रास्ता होता था और ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता था उत्तराखंड का। तो यहाँ पर अक्सर मोस्टली डेली जो है यहाँ जाम होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है बिल्कुल फ्री स्पेस हो चुका है, और जब से ये हाईवे बना है काशीपुर हरिद्वार, तो तब से जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है हम देखे कितना क्लीन हमने जो है शेरकोट अंदर एंट्री की है। तो हम पहुंच चुके हैं शेरकोट। तो दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेरकोट, रैंडमली हम पहुँच चुके हैं। तो चलिए हम एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पर नदीम भाई के कबाब, यहाँ की जामा मस्जिद, यहाँ के बाजार, कुछ शॉप वगैरह। तो दोस्तों चलिए नदीम भाई के कबाबों पर। बहुत ज़्यादा मशहूर है बुरुश इंडस्ट्रीज में, लेकिन एक चीज़ से और ज़्यादा मशहूर है शेरकोट, यहाँ के कबाब। तो दोस्तों हम निकले थे रैंडमली तौर पर धामपुर और अब पहुँच चुके हैं शेरकोट। तो यहाँ पर जो है थोड़ा दोस्तों का मूड बना कबाब के लिए, तो कबाब पूरी चेक करेंगे और इंशाल्लाह आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो चलिए बने रहे हमारे साथ। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये रास्ता जाता है जामा मस्जिद की तरफ, और हम इस वक्त खड़े हुए हैं जस्ट बिल्कुल कबाब स्टॉल से पहले। मैं इस वक्त कबाब के स्टॉल पर, माशाल्लाह आप देख सकते हैं। दोस्तों थोड़ा लाइट का इशू है, आप जो ये जगह देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेश और जो है जिंदा मछली यहाँ पर मिलती है, बहुत ज़्यादा मशहूर है शेरकोट। और इसी के बराबर में जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर है नदीम भाई के जो है मसालेदार कबाब और पूरी। तो बात करेंगे हम इंशाल्लाह। नदीम भाई के कबाब शेरकोट में बहुत ज़्यादा मशहूर है। नदीम भाई स्वागत है आपका मेरे चैनल रामिश शमी पर आपका। तो मैं पता करना चाह रहा था कब से ये कबाब लगाते हैं आप यहाँ? ये तो बाबा दादा के टाइम से लगाते हैं हम जी। तो इसमें जो कबाबों में मसाला डालते हैं नदीम भाई, तो वो क्या अपना होता है? अपना होता है। तो वो तो जो है भाई सीक्रेट है, बता नहीं पाएंगे। तो आपका कबाब जो है दादा परदादा से जो है आपके दादा वाली साहब और अब आप ये कबाब बेच रहे हैं जी। तो क्या प्राइस है कबाब का? 10 रुपये। 10 रुपये कबाब। तो माशाल्लाह नदीम भाई थोड़ा बिजी हैं कबाब, चूँकि जो है इस वक्त दुकानदारी का टाइम है। 10 रुपये का कबाब है
और आप देख सकते हैं कि लगभग जो है दादा के वक्त से जो है इनका ये जो है ट्रेडिशनली जो है एक जो है बिजनेस है, ये कह लीजिए बहुत पुराना कारोबार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बहुत ही पुराने साथी गुलदार भाई। गुलदार भाई कैसे हो? बस अच्छे हैं आपकी दुआ से माशाल्लाह। तो इतने दिन कहाँ रहे, कहाँ गायब हो गए थे गुलदार भाई? लॉकडाउन के मारे में थे भाई साहब। गुलदार भाई लॉकडाउन के मारे हुए थे और देखो इतने दिन बाद जो है शेर को मांस मिला है माशाल्लाह। तो आज जो है चीफ हार पूरी होगी। बस थोड़े कर्जे में थे इसलिए आपके शहर में नहीं आ रहे थे। कभी उधारी पकड़ लेते जी जी, कॉल उठाने भी भारी पड़ लेगी नए नंबर से। तो कभी कभी रिचार्ज भी नहीं करा रहे थे इसलिए कर्जे वाले बहुत परेशान कर रहे थे शमीम भाई। तो माशाल्लाह देख रहे हो आप जो है वही अब लोग भूल चुके हैं तो इसलिए हमने एंट्री कर ली नेटवर्क जी 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 आना शुरू करा है हमने इंशाल्लाह। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितने दिलचस्प जो है हमारे साथी है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है जैसा कह रहे हैं, थोड़ा ये जो है मजाक हो रही है। तो माशाल्लाह गुलदार भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत दिन बाद जो है मुलाकात हुई है गुलदार भाई से। तो मज़ा लीजिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे लजीज का माशाल्लाह। तो माशाल्लाह नदीम भाई के गर्मा गर्म कबाब और साथ में ये हरी मिर्च की चटनी और पूरी, तो माशाल्लाह इसका कॉम्बिनेशन बनाकर जब आप खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट और बहुत ज़्यादा लजीज स्वाद होगा। चलिए चेक कर रहे हैं। तो माशाल्लाह नदीम भाई ने बताया है कि अपने ये जो है मसाले होते हैं जो कबाब में डालते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा हरी मिर्च मतलब ये चटनी जो है चटनी के साथ मिला करके जो है टेस्ट और ज़्यादा जो है इम्प्रूव हो रहा है और निखर जा रहा है स्वाद कबाब पर, बहुत ज़बरदस्त है नंबर वन। तो माशाल्लाह बहुत ही स्वाद जायकेदार और चटपटे कबाब हो रहे हैं। शादाब भाई क्या कहना चाहेंगे इस स्वाद के बारे में? स्वाद बहुत प्यारा है माशाल्लाह, इसीलिए तो इतनी दूर से मुझे कबाब खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट स्वाद है तभी आ रहा है माशाल्लाह। तो ये बाइट बन चुकी है शादाब भाई की और ये गया मुंह में गप से। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा टेस्ट है। हमारे साथ है नईम भाई, शादाब भाई और गुलदार भाई। तो नईम भाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मुंबई में रहते हैं महाराष्ट्र में, वहाँ का तो टेस्ट ही जो है अलग है। तो कैसे लगे आपको नदीम भाई के हमारे कबाब शेर गोट के? नदीम भाई के तो पहले भी खाए थे हमने। अच्छा अच्छा, सेकंड टाइम आए इनके पास कबाब खाने, इनका स्वाद अच्छा है इसीलिए सेकंड टाइम आए। तो माशाल्लाह जो है नदीम भाई हमारे पहले भी आ चुके हैं यहाँ और नदीम भाई के कबाब का टेस्ट उनको जो है बखूबी वो वाकिफ है, वो बता रहे हैं इसीलिए जो है माशाल्लाह टेस्ट अच्छा है इसीलिए दोबारा है। हमारे जो है दोस्त साथी मोहम्मद शहजाद साहब जो है नेटवर्क से तशरीफ लाए हैं, वो मिल गए हमें माशाल्लाह नदीम भाई के स्टॉल पर। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फेमस है नदीम भाई के कबाब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं शहजाद भाई, शहजाद भाई ताल्लुक रखते हैं नेटवर्क से हमारे जो है होम टाउन से। कैसे हैं शहजाद भाई? जी माशाल्लाह। तो नदीम भाई के कबाबों का जायका लेने पहुंचे थे शेरगोटा? जी 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 बिल्कुल। तो कैसा लगा जायका? जी बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बहुत बढ़िया बेहतरीन माशाल्लाह। तो आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा फेमस है नदीम भाई के कबाब, नेटवर तक मशहूर है। तो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है सलाई और उस पर है नदीम भाई का कबाब। तो माशाल्लाह बहुत ही करारा और सिका हुआ आप देख सकते हैं, बहुत ही यम्मी और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा स्वाद है नदीम भाई का कबाब। दोस्तों मसाले माशाल्लाह इतने हार्ड हैं चूँकि
सो स्वाद बहुत ज़्यादा कड़क है, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा हार्ड वाला जो है इसका फ्लेवर है कबाबों का। तो उसके बाद जो है ज़रूरत महसूस हुई है दोस्तों को कोल्ड ड्रिंक की, तो हमारी आ चुकी है थम्सअप। तो इस हार्ड खाने को जो है थोड़ा पचाएगी हमारी कोल्ड ड्रिंक। क्यों गुलदार भाई जी? तो मसाले बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़बरदस्त मसाले जी। नदीम भाई के जस्ट बराबर में जो है यहाँ जो है भाई तारिक भी उसी स्वाद के साथ माशाल्लाह जो है कबाब बेच रहे हैं, जैसा आप देख सकते हो। तो ये नदीम भाई और तारिक भाई जो बैठते हैं बिल्कुल जस्ट जो है यहाँ पर मछली बाजार है जो आप देख रहे हैं इस तरफ, ये मछली बाजार है। शाम के टाइम जो है ये बाज़ार ऑफ हो जाता है, तब उसके बाद जो है यहाँ पर नदीम भाई और तारिक भाई जो है अपना स्वाद लेकर के जो है यहाँ लोगों को सर्व करते हैं। भाई मोहम्मद फैसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लोकल के हैं, शेरकोट के ही हैं और शाहनवाज भाई के खलेरे भाई हैं। कैसे हैं शाहनवाज भाई? अरे माशाल्लाह बहुत बढ़िया भाई, हमारे आए हैं नाइट आउट से, हमारे यूट्यूब चैनल भाई का सब्सक्राइब करें और फॉलो करें भाई साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये थे भाई हमारे शेरकोट से। तो दोस्तों मुस्कुराहट बरकरार है, पेट भर चुका है, देख रहे हो गुलदार भाई की, मतलब जो एंट्री कर दी जो है ना लॉकडाउन के बाद सीधा जो है टूटा है भाई, जो है शेर मांस पे टूटा है माशाल्लाह। तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे कबाब रहे। कबाब के बाद जो है हम इस वक्त शेरकोट की छोटी सी मार्केट है जो मस्जिद के बाहर, तो हम इस वक्त ये आप सामने देख सकते हैं जामा मस्जिद का मीनार और ये जामा मस्जिद का चौराहा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत छोटा सा। था छोटा सा हमारा एक व्लॉग, रैंडमली तौर पर हम निकले थे एक छोटी सी पार्टी यार दोस्तों के साथ, शेरकोट मोड़ बन गया चलते चलते, नाइट और से निकले धामपुर, धामपुर के बाद शेरकोट। तो यहाँ पर जो है कबाब खाए माशाल्लाह, बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा व्लॉग, बहुत इंजॉयबल रहा माशाल्लाह, बहुत अच्छे कबाब रहे हैं शेरकोट के। और तो प्लीज़ हमारे इस चैनल रॉ मिस शमीम को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो